मेरी शॉप का सबसे टॉप क्वालिटी का ब्लॉग है यूनुस इकबाल जी का 90998 बहुत। उसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं क्या बेहतरीन मान्या बना हुआ है। और आजीम का 7 स्टार। तो गाइस आप इसकी तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज मैं आपको फिर से लेके आ गया हूं समीर भाई की शॉप पे। समीर भाई की शॉप पे कुछ नए नए मांजों का कलेक्शन आया हुआ था, आप देख सकते हैं गाइस। जितना भी कलेक्शन कल समीर भाई बरेली से बनवा के लाए हैं वो यहां रखा हुआ है। और समीर भाई से मिलवाता हूं मैं आपको। समीर भाई कल ही बरेली से आए हैं और ये हमारे समीर भाई। और समीर भाई कैसे हालचाल? बढ़िया, शानदार। बस बढ़िया, आप बताओ। तो समीर भाई अपने व्यूवर्स के लिए क्या बहुत बढ़िया बढ़िया बनवा के लेके आए हो आप? मैं 12 में 6 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, दिखाओ आप अपना क्या क्या बेस्ट मांजा बनवा के लेके आए हो। ये आमिर भाई कुरैशी की डोर है। तो गाइस ये जो डोर है आमिर भाई कुरैशी की डोर है और समीर भाई अपने हाथ से स्पेशली खड़े रह के बनवा के आए हैं वहाँ पे। और क्या शानदार फिनिशिंग है इसकी। तो गाइस आप देख सकते हैं क्लियर बिल्कुल दिख रहा है आपको, बेहतरीन डोर बनी हुई है। बहुत अच्छी डोर है और छड़ी भी डोर है, बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे और बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसकी फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं, बेहतरीन काम किया हुआ है मांजे पे और फंस के लड़ने के लिए बहुत शानदार डोर है। और समीर भाई क्या नाम से आता है इनका ब्लॉग? आमिर भाई की कुरैशी के नाम से इनका ब्लॉग है ये और बहुत बेहतरीन मांजा बना हुआ है। तो दोस्तों रेट की जो भी क्वेरी हो समीर भाई का नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, समीर भाई से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी भैया का नंबर दे दूंगा और एड्रेस भी दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा समीर भाई से। और आपको नेक्स्ट मांजा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है ड्रैगन टू के नाम से समीर भाई मांजा बनवा के लाए हैं। समीर भाई क्या कौन सा कारीगर है ये? क्या नाम है? वसीम की चरखी है। तो गाइस ये वसीम की चरखी है और बहुत बेहतरीन मांजा बनवा के लाए हैं समीर भाई। कलेक्शन आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं और समीर भाई बताएंगे इसके बारे में। ये ड्रैगन टू छड़ी भी डोर है, पास के पेचों के लिए बहुत अच्छी डोर है, बहुत बढ़िया शानदार डोर लड़ेगी। खेचमदानी के हिसाब से बहुत बढ़िया डोर है, छड़ी भी डोर है। तो गाइस बहुत अच्छी लड़ेगी। तो गाइस आप डोर देख सकते हैं, बहुत छड़ी हुई डोर है और पास के पेचों के लिए बहुत अच्छी डोर बनवा के लाए हैं समीर भाई। ये खेचमतानी की डोर है, बहुत शानदार डोर बनी हुई, आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मांजा आप बनवा के लाए हैं समीर भाई, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा मांजा। और आपको नेक्स्ट क्वालिटी दिखाते हैं इसके साथ ही। तो गाइस ये 7 स्टार है और अशरफ इस्लाम का मांजा है और बहुत बेहतरीन मांजा आता है और मैंने खुद ने भी लड़ाया हुआ है ये मांजा। और पिछले सीजन में मैंने इससे बहुत अच्छे पेच काटे हैं, बहुत अच्छी लड़ती है डोर ये। और मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक कराता हूँ। तो गाइस बहुत अच्छी डोर लड़ेगी है, छोटे पास में दूर में हर तरीके से लड़ेगी। तो दोस्तों फंस के लड़ने के लिए बहुत बेहतरीन डोर बनवा के लाए हैं समीर भाई ये। और आगे पास में दूर बहुत अच्छी लड़ती है, बहुत अच्छी डोर है और बहुत अच्छी सुताई करी हुई है उसके ऊपर। फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, फिनिशिंग की लागत की बात होती है, लागत के ऊपर ही बढ़िया डोर लड़ती है। अपन लागत अच्छी कराएंगे तो डोर भी अच्छी लड़ेगी। तो गाइस बहुत अच्छा काम कराया हुआ है और समीर भाई खुद बनवा के लाए हैं अभी ये रिसेंटली डोर बरेली जाके। हाँ ये मैं बरेली जाके बनवा के लेकर आऊँ, खुद खड़े देखे मसाला भी बढ़िया डलवाया, लागत अच्छी करवाई अपन ने, उसी की बदौलत है जो आदमी चरखी की बदौलत के नाम से गारंटी दे सकता हूँ मैं कस्टमर को। वो जिम्मेदारी मेरी होगी, लेने ऊपर की डोर अलग नीचे की डोर अलग, ऐसा नहीं होगा एक साथ डोर निकलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों इसी के साथ अब आपको मैं अगला व्लॉग दिखाता हूँ और समीर भाई बताएंगे इसके बारे में। तो गाइस ये शाबिर रजा के नाम से मांजा बनवा के लाए हैं समीर भाई और आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, क्या बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे, बिल्कुल सूती हुई और बहुत शानदार डोर है। डोर ऐसी है पर मैंने जब मैं अच्छे से अच्छे कारीगर से डोर लड़ाएंगे ना बना उतार नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी डोर की, बहुत अच्छी डोर बना रही है, बहुत बढ़िया लागत पर डोर बनेगी। तो गाइस समीर भाई इसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत अच्छी डोर बनी हुई है और क्या नाम से कि
किसी भी बड़े कारीगर के मान जैसे इसको लड़ाएंगे तो इसका भी इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और बहुत अच्छा काम करवाया हुआ है समीर भाई ने इसके ऊपर, और आपको मैं डरा चेक कराता हूँ डोर का। तो गाइस देख सकते हैं आप इस डोर का डर्रा है ये, और मैं आपको इसका टेम्पर भी चेक कराता हूँ। तो गाइस आप इसका डोर का टेम्पर चेक कर सकते हैं क्या बेहतरीन टेम्पर आ रहा है, बिल्कुल महीन और शानदार डोर है और बहुत सुतावा मान जाए। खेजन तानी के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया डोर है। फसल में आप खेल दो पेज काट दो, पसाके काटते हैं जब पसाके फुल अपन खींचेंगे इसको डोर काट देगी, इतनी गारंटी मिली डोर की। तो गाइस समीर भाई इसकी गारंटी ले रहे हैं, बहुत अच्छा मांझा बनवा के लाए हैं समीर भाई। ये बहुत शानदार काम हुआ भाई, बहुत ही बढ़िया काम हुआ भाई इसको। समीर भाई ने बहुत अच्छा काम करवाया है और खड़े रह के ये वहाँ पे डोर बनवाई हुई है, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं समीर भाई। और आपको इसके साथ अपन गारंटी भी दे रहे हैं कस्टमर को, ये नहीं अपन ने चीज दी उसके बाद अपनी जिम्मेदारी खत्म, ये नहीं होगा। अपने पास बढ़िया माल बैठा था बंदा सोता हुआ है, उसकी ही अपन गारंटी दे सकते हैं। समीर भाई नेक्स्ट क्वालिटी दिखाने जा रहे हैं, और ये खतरनाक खिलाड़ी के नाम से ब्लॉग बनवा के लाए और नईम 999 के नाम से बनवा के लाए, और मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं क्या बेहतरीन मांझा बना हुआ है, और आपको इसका डर्रा चेक कराता हूँ अब मैं, और बहुत बेहतरीन और सुतावा काम है। तो भाई साहब इसका डर्रा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छड़ी हुई डोर है, और इसका टेम्पर भी मैं आपको चेक कराता हूँ। आप दौड़ के पेज के हिसाब से बहुत बढ़िया डोर है। तो गाइस ये इसका टेम्पर है, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन काम करवाया हुआ है समीर भाई ने मांझे पे, और बहुत अच्छी डोर बनवाई हुई है, और जिस तरीके से बहुत अच्छा काटा है, तेज काटा है, बहुत शानदार मांझा बनवा के लाए समीर भाई। ये छोटे पेज के लिए बहुत अच्छी डोर है। तो छोटे पेजों के लिए बहुत बढ़िया डोर बनवा के लाए, और इसके साथ ही बेहतरीन बेहतरीन मांझे और भी बनवा के लाए हैं समीर भाई। जल आगत हो जाती है ना वह आदमी को क्या भरोसा हो जाता है सरकी के ऊपर, तो पेज के ऊपर भी खुद। तो गाइस ये समीर भाई लागत लगा के हाथों हाथ बनवा के लाए हुए मांझे दिखा रहे हैं अपन को, जो बरेली से कल ही बनवा के लाए हैं, और ये अजीम का 7 स्टार। तो गाइस आप इसकी डोर की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे, और आपको इसका डर्रा भी चेक कराता हूँ मैं अभी, और इसका टेम्पर भी दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन फिनिशिंग है डोर में, बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे, और मैं इसका टेम्पर भी आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डोर का टेम्पर है, बेहतरीन डोर बनी हुई है, और समीर भाई बहुत अच्छा काम करवा के आए, और अधिकतर आपने देखा होगा ब्लैक डोर, ब्लैक कलर की डोर है, सदाबहार होती है, ब्लैक की डोर की बात ही अलग होती है। तो कैसे इसमें थोड़ा फेड आ सकता है, लेकिन ब्लैक में कोई नहीं है, ब्लैक बहुत अच्छी डोर होती है, सुताई बहुत बढ़िया होती है, इसको फर और हर मौसम में लड़ने वाली डोर होती है। तो गाइस जो ब्लैक डोर होती है हर मौसम में लड़ती है, और अच्छी सुताई होती है ब्लैक डोर पे, और इसके साथ अब आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाते हैं। और मेरे पास ज़्यादातर डोर मिलेगी ब्लैक ही मिलेगी, क्योंकि डोर मेरे पास भरोसे पे बहुत ज़्यादा आती है डोर। कोई कस्टमर बोलता है ना भैया आपके हिसाब से निकाल दो डोर, तो मैं उसको यही बात बोलता हूँ मैंने कि भाई कलर नहीं दे पाऊँगा मैं आपको ब्लैक डोर दूंगा, वो उसकी वजह बढ़िया लागत हो जाती है और सदाबहार डोर होती हो, इसलिए ब्लैक डोर मैं बहुत ही ज़्यादा रखता हूँ। तो गाइस ये अरशद भाई का व्लॉग है ब्लैक पैंथर के नाम से, बहुत अच्छा मान जाता है इनका, आप देख सकते हैं गाइस फिनिशिंग डोर की, बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे, और आपको इसका डर्रा और टेम्पर भी मैं चेक कराता हूँ। तो गाइस ये डोर है, बिल्कुल चढ़ी हुई डोर बनी हुई, आप देख सकते हैं टेम्पर चेक कर सकते हैं आप डोर का, क्या बेहतरीन टेम्पर है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे, बहुत चढ़ी हुई डोर बनवाई है समीर भाई ने। यार सत्ता की डोर है, बहुत ही अच्छी डोर है, छोटे पे दूर पे हर तरीके से लड़ेगी डोर में, और बहुत ही शानदार डोर बनी हुई है। अरशद भाई का ये व्लॉग है, और बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे, और इससे ऊपर वाला एक और व्लॉग है अरशद भाई का, वो भी अब आपको दिखाते हैं, पावर 1 स्टार के नाम से आता है अरशद भाई का, और बहुत बेहतरीन कलर है, देखिए गाइस
ये पिस्ता कलर है, बापताई कलर है और बहुत अच्छा कलर है। आपको देखो गाइस फिनिशिंग दिखाता हूँ मैं डोर की, बहुत अच्छा काम करते हैं और छड़ी भी डोर बनवाते हैं। और आपको डोर चेक कराता हूँ, देख तो गाइस आप डोर देख सकते हैं क्या बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे। और इसका टेम्पर भी मैं आपको चेक कराता हूँ, तो गाइस आप ये इसका टेम्पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे, बहुत छड़ी भी और सूती भी डोर है। और पावर वन स्टार के नाम से अर्शद भाई का ये ब्लॉग आता है, पावर वन स्टार 1195। और मैंने खुद ने भी ये डोर यूज़ करी हुई है फसके लड़ने के लिए और खेचम दानी के लिए, बहुत अच्छी डोर है। और इसी के साथ अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। तो गाइस ये सईद फरदीन के नाम से मांजा बनवा के लाए हैं समीर भाई, और बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे। आपको मैं डोर का डर्रा चेक कराता हूँ और डोर क्वालिटी दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन डोर बनी हुई है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डोर है, बहुत ही बढ़िया डोर है फसके लड़ने के अंदर। तो गाइस फसके लड़ने के लिए बहुत अच्छी डोर है। और ये टेम्पर है डोर का, आप देख सकते हैं छल्ले बन रहे हैं पूरे ही, और बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे। और समीर भाई अच्छी अच्छी डोरें और भी बनवा के लाए हैं, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये कासिम भाई की डोर है, तो गाइस ये कासिम भाई की डोर है 1-2-3 पे, और बहुत बढ़िया डोर है। आपको फिनिशिंग चेक कराता हूँ डोर की, देख सकते हैं आप क्या बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे, और बहुत ही शानदार डोर है, बहुत ही। और जे आर एम के नाम से इनका व्लॉग आता है कासिम भाई का, और डोर में आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन फिनिशिंग है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाता हूँ। तो गाइस ये है नेक्स्ट व्लॉग, शेर हिंदुस्तानी के नाम से ये डोर आती है। और कौन से कारीगर की डोर है समीर भाई? ये आमीन खान जी की डोर है। आपको मैं पास में से चेक करा देता हूँ भी, क्या बेहतरीन डोर, हर तरीके से लड़ जाएगी डोर, बहुत ही बढ़िया लागत पे, बहुत अच्छी डोर है, शानदार है। तो गाइस ये बहुत अच्छी डोर बनवा के लाए हैं समीर भाई। दोस्तों इसी के साथ आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाता हूँ, ये स्पीड 20 के नाम से व्लॉग है और SS खान जी की खुद के हाथ की बनी हुई डोर है, और समीर भाई बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं इससे। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाता हूँ। तो गाइस ये यूनुस इकबाल जी का मांजा है, और आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में, यूनुस इकबाल जी का 90998, बहुत बेहतरीन डोर बनी हुई आती है और बहुत अच्छा काम किया हुआ है उसके ऊपर, डोर के ऊपर तार की तरह डोर है, बहुत बढ़िया डोर बनी हुई है। तो दोस्तों मैं अब जो आपको व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, ये समीर भाई की शॉप का सबसे बेहतरीन व्लॉग है, और बहुत अच्छा काम करवाते हैं समीर भाई इस पर, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग डोर की। समीर भाई का ये बेहतरीन ब्लॉग है, आप देख सकते हैं, खुद का ही ब्लॉग है समीर भाई का, बहुत अच्छा काम करवाते हैं इसके ऊपर समीर भाई। और आपको इसकी डोर की डर्रा चेक कराता हूँ मैं आपको, बहुत शानदार डोर बनी हुई, और इसका टेम्पर भी मैं आपको चेक कराऊँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप क्या बेहतरीन डोर बनी हुई है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पर, और इसका टेम्पर भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों आप इसका टेम्पर डोर का देख सकते हैं क्या बेहतरीन काम कराया हुआ समीर भाई ने इसके ऊपर। ये डीके का ब्लॉग है मेरा, मेरी शॉप का सबसे टॉप क्वालिटी का ब्लॉग है डीके बरेली, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मतलब समझ लो पेड़ लड़ने के अंदर बहुत ही शानदार डोर है, और पूरा 12 महीने में भाई डोर मिलेगी, मेरी शॉप का सबसे टॉप ब्लॉग है डीके बरेली के नाम से, ये स्पेशल चक्की पर टूर्नामेंट क्वालिटी का। तो गाइस ये टूर्नामेंट क्वालिटी है, और समीर भाई के पास 12 महीने ये डोर मिलती है, और समीर भाई अपने कस्टमरों को सबसे ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं। आप डोर की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसका डर्रा, क्या शानदार काम किया हुआ है डोर पे, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और आपकी दुआ से मेरे को
जयपुर गंदा पूरा ओवर इंडिया में अभी इसी नाम से जाना जाता है, डीके बरेली समीर भाई के नाम से, क्योंकि मेरे पास ही पूरे जयपुर में पूरे मेरे पास ही मिलता है, मेरा खुद का ब्लॉग है डीके के नाम से। तो गाइस ये समीर भाई का खुद का ब्लॉग है और समीर भाई के पास ही आपको ये ब्लॉग मिलेगा और बहुत अच्छा काम करा हुआ समीर भाई ने इसके ऊपर। ये अपने खुद की लागत होती है इसके ऊपर और खुद का अपना कारीगर होता है, ये जो ऊपर डोर रहेगी वही नीचे तक रहेगी, ये अपनी गारंटी रहेगी डोर की। और पसके लड़ने के अंदर बहुत ही शानदार डोर है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका पसके लड़ने के अंदर, जो भाई पसके लड़ा है उसके लिए बहुत ही बढ़िया डोर है शानदार। और गाइस समीर भाई ने जिस भी बंदे को ये डोर दिए उससे अच्छे ही रिजल्ट मिले हैं समीर भाई को, आप डोर की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, छड़ी हुई और बेहतरीन डोर और फसके लड़ने के लिए खेच के लिए बहुत अच्छा काम करवाया हुआ है समीर भाई ने इस डोर के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि सामने वाला बोलता है मैं ये डोर उड़ा रहा हूँ, मैं ये उड़ा, कोई सी भी डोर उड़ा ले मुर्दार किसी से नहीं पड़ेगी डोर यहाँ। और दूसरा लम्बा मेन बात, पहले डोर भी होती है बढ़िया और खिलाड़ी भी होता है और पतंग भी होती है, तीनों चीज़ बढ़िया होगी पेज बहुत बढ़िया रहेगा, वो कहीं से कहीं तक मुर्दार नहीं पड़ेगा। तो गाइस बाकी अपनी गारंटी है डोर की, मैं गारंटी है तभी दूंगा। तो गाइस 12 महीने समीर भाई के पास ही ब्लॉग मिल जाएगा आपको और कभी भी आप समीर भाई को कॉल करके ब्लॉग मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे। और चौरासी सौ भी मिल जाएगा मेरे पास डीके में आपको, 6 रील में भी माना मिल जाएगा समीर भाई के पास और 8400 भी मिल जाएगा। और आप इसका टेम्पर चेक कर सकते हैं गाइस, डोर का टेम्पर देखिए क्या बेहतरीन टेम्पर है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है समीर करवाया हुआ है समीर भाई ने इस पे डोर पे। और इसका 8400 भी दिखाएंगे हम आपको और समीर भाई के पास 6 रील में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और सीजन पे 3 का भी मिल जाएगा इसका, सीजन पे 3 में मिलेगा, 4 तार का कोई काम नहीं है, 1 2 3 पे बनवाते ही है और बहुत अच्छा काम करवाते हैं इसके ऊपर। गाइस ये समीर भाई का नेक्स्ट व्लॉग दिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत बेहतरीन मान जाए 8400 धागे पे बना हुआ है और आपको इसकी फिनिशिंग चेक करा देता हूँ एक बार। तो गाइस आप इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं क्या बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे, और इसका डला भी चेक कराता हूँ मैं अभी आपको। छत के लिए सीजन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया शानदार डोर है, ऐसे वसूल डोर है। तो गाइस बेहतरीन काम किया हुआ है डोर पे, बहुत चढ़ी हुई डोर है और बहुत अच्छा काम किया हुआ है डोर पे आप देख सकते हैं। और इसका टेम्पर भी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो गाइस ये इसका टेम्पर है डोर का, आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन छल्ले बने हुए हैं, बहुत अच्छा काम कराया है समीर भाई ने इसके ऊपर और बहुत बढ़िया डोर है, 8400 डोर है और छतों के मतलब की डोर है। और समीर तो अभी बनवाते हैं लेकिन अपन स्पेशल मेन बात तो 2-4 हाथ अपन पर ज़्यादा ही गिरवाते हैं। तो गाइस ये स्पेशली डोर के ऊपर बहुत ही बढ़िया, वो डोर अलग ही दी जाती है, 8400 तो बाजार में बहुत ही बिकती है लेकिन ये अपने पर्सनल बनी हुई 8400 है। तो गाइस ये स्पेशली समीर भाई खुद का ब्लॉग बनवाते हैं 8400 पे और बहुत अच्छा ब्लॉग बनवाते हैं। और समीर भाई के पास 12 महीने ये डोर मिल जाएगी आपको और छतों के लिए सीजन के लिए ज़्यादा बनवाते हैं, सीजन में आपको अधिकतर 6 रील में 3 रील में भी समीर भाई के पास ये डोर मिल जाएगी आपको। तो गाइस ये कुछ कलेक्शन था समीर भाई का और 6 रील में भी कलेक्शन अवेलेबल है आप देख सकते हैं, डीके 6 रील में 1 2 3 पे अवेलेबल है और ये डीके 8400 में अवेलेबल है 6 रील पे, ये 4 तार पे, ये 4 तार पे है और बरेली का नंबर 1, ये 4 तार पे कौन से कारीगर का मांझा इस्लाम जगरूस के नाम से आता है गाइस, ये 4 तार पे बहुत अच्छा मांझा बना हुआ है, छत के लिए बहुत ही बढ़िया डोर है, तीरे हाथ बना हुआ दूरा उरे पे आते नहीं है ये डोर। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, इस्लाम उर्फ जगरू के नाम से आता है और बहुत अच्छा बरेली का नंबर 1 जो मेरा खुद का ब्लॉग है उसका 8400 है। तो गाइस ये बरेली का नंबर 1 है, डबल कलर में समीर भाई ने बनवाया है और अच्छा काम कराया हुआ है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं डोर की फिनिशिंग। और इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग दिखाता हूँ, ये 1 2 3 का मेरा खुद का व्लॉग। तो गाइस ये 1 2 3 पे बरेली नंबर 1 के नाम से समीर भाई का खुद का व्लॉग है, आप डोर की फिनिशिंग देख सकते हैं, कंपैरिजन आप कर सकते हैं बाकी जो डोरें दिखाई है मैंने आपको बड़े बड़े कारीगरों की, वैसा ही मांझा बनवाते हैं समीर भाई भी अपने नाम से। ये भी अपने एसएस खान के नाम से दिखाया था। तो गाइस ये एसएस खान का 6 रील में भी 1 2 3 पे समीर भाई के पास अवेलेबल है 1 2 3 की डोर पे। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग दिखाता हूँ, AMR के नाम से आता है, हसीन लल्ला जी के नाम से,
तो गाइस ये हसीन लल्ला का AMR के नाम से स्पेशल बना हुआ मान जाए, ये 12 रील में भी समीर भाई के पास अवेलेबल है, 12 रील में भी आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ पतंगे भी दिखा देता हूँ गाइस जो समीर भाई के पास अवेलेबल हैं अभी। ये पोनी पतंगे हैं, तो गाइस ये देख सकते हैं सिकी वे कमान ठड्डों की है, बहुत बेहतरीन पतंग है। और इसका अगला कलर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये पट्टी में भी है समीर भाई के पास, और ये स्टार में भी अवेलेबल है, और ये कलर इसका ये ग्लासदार, और एक ये कलर चौपड़दार। आप देख सकते हैं काइट की फिनिशिंग दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा इस ये ऊपर से बिल्कुल कमान इसका ठड्डा जो है पतला है, और नीचे आते आते ये मोटा होता जाता है, और बहुत बेहतरीन फिनिशिंग है पतंग की। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा काम कराया हुआ है, पतंग की बहुत ही ज़्यादा मांग है मेरे पास, शोर पड़ती है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया पतंग है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया पतंग का मेरे पास। जीत भाई वही भेजे मैंने, उन्होंने दोबारा ही मेरे को ऑर्डर किया है पतंग के लिए, छोटे पेज के लिए 300-400 गज के लिए, बहुत ही शानदार पतंग है, कोई बहकने वाली पतंग नहीं है, जैसे उड़ाओ सीधी ही पतंग उड़ेगी है। और डिजाइन इसका डिजाइन अभी तो ये है और तैयार हो रहा है मेरे पास, कम से कम 10 से 12 डिजाइन होते हैं इसके। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। समीर भाई के पास ये जितना भी आप ये कलेक्शन रखा हुआ देख रहे हैं, ये समीर भाई खुद जाके बनवा के लेके आए हैं बरेली से, और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवा के आए हैं मांझों पे। और 12 महीने समीर भाई की शॉप खुली रहती है, स्क्रीन पे समीर भाई के आपको नंबर दे दिए जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें समीर भाई से। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे से जुड़े रहिए, और अच्छे अच्छे मांझे मैं आपको दिखाता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में।